छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बुधवार को पहली बार एक दिवसीय दौरे पर गरियाबंद पहुंचे। अपने एक दिवसीय दौरे पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल के अधीन किडनी यूनिट सुपेबेड़ा स्पेशल वार्ड के शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही निरीक्षण कर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी बात कही। इसी क्रम में उन्होंने दो स्पेशल नेफ्रोलॉजिस्ट और 5 डॉक्टर की पदस्थापना के आदेश भी दिए। वही एक्सपायरी मेडिकल किट पर स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में कहा कि 5 आईएएस की टीम मामले की जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे ही मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, आपने देखा होगा कि डॉक्टरों की मांग को लेकर मैंने 4-5 डॉक्टर गरियाबंद जिले में पिछले समय दिया था, और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि आज जो है गरियाबंद में विशेष क्रिटिकल केयर यूनिट का हमने शुभारंभ किया है, जिसमें नेफ्रोलॉजी के जो बड़े डॉक्टर यहाँ 2 बैठेंगे हफ्ते में 2 दिन, साथ ही महीने में 2 दिन गरिया सुपेबेड़ा और 2 दिन देवभोग बैठेंगे। तो आज इसका हमने शुभारंभ किया है। उसके साथ इस क्षेत्र में लोगों के तत्काल रायपुर वगैरह पहुंच सके, कोई इमरजेंसी हो किडनी संबंधित या अन्य बीमारी, हमने आज 3 एम्बुलेंस भी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही 5 मेडिकल ऑफिसर और 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की मैं पोस्टिंग ऑर्डर हाथ में लेकर आया हूं। यहां के लिए एक बड़ी हेल्थ के क्षेत्र में होगा, 5 मेडिकल ऑफिसर और 2 विशेषज्ञ डॉक्टर मैं किया हूं। साथ ही 3-4 हमारा और नेफ्रोलॉजी वाले डॉक्टरों से बातचीत हो रहा है। भविष्य में इसे जो किडनी अनुसंधान केंद्र के रूप में, इस क्षेत्र के लोगों का किडनी संबंधित जो बीमारी है उसके रूप में हमारी डेवलप करने की योजना चल रही है।